कोरोना महामारी तो बाद फैली ब्लैक फंगस नाम की बीमारी बारे जानकारी देंद्या EMT सर्जन डॉक्टर करुणेश गुप्ता ने दसा कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी कोई नवी बीमारी नहीं है, पर कोरोना की सहयोगी होने कारण अजकल ज्यादा होंद विच आ रही है। इसके चलते लोग इसके शिकार हो रहे हैं। यह बीमारी घट इम्यूनिटी वाले लोगों को बीमार करती है। यह फंगस ज्यादातर मिट्टी, गले हुए फलों, हवा विच इतों तक इसके कुछ कारण साढ़े अंदर भी मौजूद होंगे ने। यह इन्ने एक्टिव नहीं होंगे, पर जो साड़ी इम्यूनिटी घटती है तो यह एक्टिव होकर सानू बीमार करते हैं। अजकल यह ज़्यादातर अख नक के दिमाग से अटैक करती है, जिसके चलते डेड ब्लड टिश्यू खा के उसकी सप्लाई डेड करती है। मैं डॉक्टर करुणेश गुप्ता, मैं ENT सर्जन हाँ और एंडोस्कोपिक सर्जरी मेरा स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। जी ऐसे जी कि नवी बीमारी नहीं है, म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बड़ी देर तो बीमारी चल रही है, और यह कि वो नंबर ऑफ केसिस हूँ कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, और यह मनिया जा रहा है कि कोविड वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बेसिकली यह म्यूकरमाइकोसिस जो है यह लो इम्यूनिटी के जी है वह अटैक करती है। फंगस पई है मोस्टली सॉयल च, मिट्टी में होंगी है, मैन्योर जी खाद है उस होंगी है, जड़ा कोई डिके कर रहा फूड है, ठीक है ना, जिसमें फ्रूट गल रहा होंगे वो भी यह पई है, तो हवा के भी है, तो साढ़े अंदर भी वो फंगस के कुछ ना कुछ स्पोर्स पे होंगे, बट वो इनएक्टिव है। जो इम्यूनिटी लो होंगी किसी भी कारण तो उस फिर अटैक करके पेशेंट बीमार करती है। हूँ जिस तरह कोविड की है कि उस कोविड अपने आप इम्यूनिटी लो करता है, खासकर कोविड लंबा चलता है, ये बियॉन्ड 1 वीक चलता, इम्यूनिटी ज़्यादा लो होंगी है। तो किसी डायबिटिक मान लो कोविड हो गया तो 2 फैक्टर हो गए इम्यूनिटी लो करने वाले, और उसनू उस वेले उसकी जान बचाने वास्ते मान लो स्टीरॉयड ही देने पे तो 3 फैक्टर हो गए। तो जिस तरह कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बढ़ेंगे तो उस दे विचो म्यूकर होने दे या ब्लैक फंगस हो चांसिस बढ़ेंगे। पहला पेशेंट पाया गया कि होर भी पेशेंट नंबर साथ देखना? नहीं नहीं, पेशेंट काफ़ी ने जी, क्योंकि यह नोटिफाइबल डिजीज़ नहीं सी, इस करके वो नहीं आए सारे डॉक्टर्स को जो ऑलरेडी ब्लैक फंगस केसिस आ रहे हैं, तो हूँ नंबर ऑफ केसिस बढ़ रहा हूँ जी। ब्लैक फंगस है की है? देखो फंगस है, देखो जरा मैं दसिया ना कि जरा ये मिट्टी है वो डिकेइंग फूड के होंगी है, बेसिकली ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो पर्यावरण है उस अपना यूजफुल रोल प्ले करती है, ये जरा उस डेड टिश्यू खाती है, जो न्यूट्रिएंट है वो सॉयल रीसर्कुलेट होंगे इस, ठीक। लेकिन उही है कि जो कोई ठीक चीज़ गलत जगह खाती उ प्रॉब्लम होंगी है, तो नक् के अंदर आके भी या शरीर कितने भी लंग्स से भी सीधा अटैक कर सकती है, स्किन से भी सीधा अटैक कर सकती है, सो कित भी यदा असर हो सकता है, ईवन पेट के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी अटैक हो सकता है। लेकिन अजकल जो ज़्यादा केसिस आ रहे हैं वो लंग्स वाले थोड़े, और ज़्यादा जोड़े वो राइनो ऑर्बिटो सैरिब्रम यानी नक् अख और ब्रेन ए वाले केसिस ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्योंकि जो इम्यूनिटी लो होनी है, स्पोर्ट्स ऑलरेडी उत्थे है ने, वो अटैक करते हैं, ये सब तो पहले ब्लड वैसल खून की नसा अटैक करते हैं, जो खून की नस ब्लॉक हो गई वो करके तो जिते ब्लड सप्लाई बंद हुई वो एरिया डेड हो जाता है, और जो डेड टिशू है वह फंगस वास्ते एक पार्टी है, वह एक फेवरेट मील है, तो वह डेड टिशू खाएगी उस नाल होर जिस तरह अगर वधी चलेगी वो टिशू होर डेड होता जाएगा, तो करते करते फंगस जी है वह अगे वधी जाती है। और ये की है कि जिनी जल्दी इसनों असी डायग्नोज करा, जिनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट करा, उन्ना सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होएगा, सस्ता होएगा और सौखा होएगा, ईजी होएगा, ठीक है ना। जिस तरह हजे जो मान लो फंगस जी है वह सिर्फ नोज तक ही कन्फाइंड है, तो सिंपली जो डेड टिश्यू रिमूव करना है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलना, पेशेंट ठीक हो जाएगा। साइनस तक आ गया उन्ना ट्रीटमेंट होएगा, उन्ना डेड टिश्यू रिमूव करना पेगा। जे वो डिजीज़ अख तक चली गई, जो अख तक चली गई तो बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हों में पेशेंट की जान बचाने वास्ते अख निकालनी पैंदी है, बट वो लाइफ सेव करनी जरूरी है। लेकिन जे वो ऑलरेडी ब्रेन तक जा चुकी है तो फिर उन्होंने पेशेंट के पूरी कोशिश करके भी पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। सो इस करके जिनी जल्दी असं डायग्नोज करा उन्ना ही जल्दी और अस ट्रीटमेंट शुरू कर सकेंगे और उन्होंने असं ठीक वो रिजल्ट तक ले जा सकेंगे। एज लिमिट कोई नहीं है जी, क्योंकि जनरली यंग एज असं मानते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होएगी, इस करके वो थोड़ा घट चांस होंगे है। लेकिन असी परसों एक पेशेंट 28 साल की लड़की भी इस डिजीज़ की डायग्नोज की और काफ़ी वो कंडीशन इस वे सीरीयस है, हूँ अनफॉर्चुनेटली कोविड नहीं होया, वो नॉन कोविड पेशेंट है,
बट ओदा डायबिटीज़ अनकंट्रोल सी, बेचारे नूं पता ही नहीं सी कि बच्चे नूं डायबिटीज़ है। वो जो टेस्ट कराई फिर पता लगा कि शुगर जी 300 तो उपर चल रही है, तो वो इम्यूनिटी वो करके लो है, कोविड नूं होया ही नहीं। सो कोविड नाल रिलेशन है, लेकिन कोविड इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। देखो सब तो पहले तो पेशेंट ने जो वार्निंग सिमटम है वो असी चलो एक ब्लैक फंगस एक डिजीज़ किसी भी सिमटम इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जो मेन जो होएगा वो थोड़ा जहा नंबनैस जिस तरह सुन्नपन चीक के कोल होना, नक् बंद होना खास करके एक साइड से, कोई छिलके गंदे जे महसूस होना, अंदर ब्लीडिंग होना नक् चो बिना किसी कारण तो। सो ये सारिया चीज़ा शुरुआती होंगे, और उस तो बाद जिस तरह जिस तरह प्रॉब्लम वधी है, थोड़ी अख के पिछे पेन होना, धुंधलापन अख दे विच आना, सिर दर्द होना, और प्रॉब्लम होर वधेगी तो चक्कर उल्टी कुछ भी अगों प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। हुण जिस तरह डिजीज़ वधी जिस तरह ब्रेन वल जाती है वो मुताबक सिमटम आते हैं। सो इस करके इनू अर्ली सिमटम जोड़े हैं उत्थे ही सानू जिहड़ा अलर्ट होना चाहिए है। दस अगर लोगों को कोरोना महामारी का काफ़ी बहम पै गया, जिस तरह डर पै गया, हूँ एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी सुन ली है, की कहना चाहते हो, कि डर लोगों के है, तो की मैसेज देना चाहते हो लोगों को घबराने की लड़ हैगी कि नहीं? देखो घबराने नाल ते किसी भी समस्या का हल हुंदा नहीं है, ठीक है। असी दो मिनट वास्ते असी ब्लैक फंगस भुल जाइए, असी कोरोना भुल जाइए, किन्ना वड्डा कारण डैथ साडे कंट्री च की है? रोड एक्सीडेंट। हर 4 मिनट दे विच एक डैथ हुंदी है, और मोस्टली एज ग्रुप की हुंदा 18 to 35 साल, यंग एज ग्रुप की डैथ हुंदी है। उहदे वास्ते असी की करदे हां, यूसी उहदे वास्ते बेसिकली हुण हैड इंजरी नाल जे डैथ हो रही है तो उहदा सोल्यूशन कोई नवें नवें ट्रॉमा सेंटर बनाना, न्यूरोसर्जन होर बना लो, वह तो सोल्यूशन नहीं है ना। उसका सोल्यूशन तो केयरफुल ड्राइविंग है ना। सो इसे तरह करोना है या कोई बीमारी है तो वो वास्ते जो प्रीकॉशनज ने एहतियात है वो पर फोकस करना चाहिए, पैनिक ही नहीं होना चाहिए। यूसी ब्लैक फंगस अगेन फिर मैं रिपीट कर रहा वा कि हर एक हूँ ब्लैक फंगस आ गई। हूँ कुछ पेशेंट ओवर कॉन्शियस होकर भी आ रहे हैं कि बस बिना कारण के बस टच करके देखिए ना, पेन तो नहीं है, सुन तो नहीं होया, मैं इस तरह का पैनिक नहीं आना। अगेन फिर मैं रिपीट कर रहा वा जिन्होंने इम्यूनो डेफिशियंसी किसी भी कारण तो है, वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, कोई HIV का पेशेंट है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, या जिसका कोविड हो के हटिया लंबा कोविड, सो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की लड़ है। हर एक पैनिक के आने की जरूरत नहीं है।